हेलो। हाँ बोल। कुछ और भाई क्या कर रहे? कौन नहीं, बस मूवी देख रहा था, सी मूवी? इंटरस्टेलर। दिमाग है इतना? क्या वैसे ये बता कि ब्लैक होल के चारों ओर लाइट की रिंग क्यों हो रही है? जब भी हमने इसे मूवी में देखा है कि ब्लैक होल चमकता है, लेकिन ब्लैक होल तो काला होता है ना, तो ये लाइट की रिंग कहाँ से आई इसमें? वो इसलिए क्योंकि एक सेकेंड वीडियो देखो ना। थैंक यू फॉर द कंटेंट। मतलब क्या? हेलो 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 हेलो। ओवर एक्टिंग के लिए सॉरी, लेकिन सवाल अच्छा है। ऑब्जर्व करने वाली बात है दोस्तों कि आपने जब भी कोई भी फोटो देखी होगी ब्लैक होल की, तो आपने ब्लैक होल के चारों ओर लाइट की रिंग जरूर देखी होगी। लेकिन जब सब चीज़ ब्लैक होल अपनी तरफ खींच लेता है, तब भैया यह लाइट क्यों नहीं जाती उसके अंदर, या चारों ओर क्यों घूमती रह जाती है ब्लैक होल के? टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट। बस वीडियो को देखते रहिए, ध्यान से सुनते रहिए। ब्लैक होल इज अ रीजन ऑफ स्पेस टाइम जहाँ पर ग्रेविटी इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि कोई भी टाइप का मैटर या कोई भी टाइप की रेडिएशन जैसे कि लाइट विद द मैक्सिमम वेलोसिटी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड वहाँ से पास नहीं करती है। 20th सेंचुरी तक ब्लैक होल के बारे में कोई जानता ही नहीं था, जब तक कि महान वैज्ञानिक सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी में इसके बारे में नहीं बताया था। 1915 में एक जर्मन साइंटिस्ट कार्ल स्क्वेरचाइल ने हमको बताया कि कोई भी मास को हम टर्न कर सकते हैं इनटू द ब्लैक होल इफ़ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टाइटली क्लोज इनफ है। साथ ही इन्होंने आइंस्टीन फील्ड इक्वेशन का सॉल्यूशन भी दिया था ऑफ जनरल रिलेटिविटी। वैसे तो ब्लैक होल काफ़ी सारे टाइप्स का होता है, लेकिन चार मेन टाइप हैं जिसमें से कॉमन है सुपरमासिव और स्टेलर ब्लैक। जब एक स्टार अपने आप में ही कोलैप्स कर जाए, तब फॉर्मेशन होता है एक स्टेलर ब्लैक होल का। यह कॉज करता है एक सुपरनोवा। एक स्टेलर ब्लैक होल का मास हमारे सन के मास से करीब 10 से 20 गुना तक ज़्यादा होता है। ओ माय गॉड, 10 से 20 गुना ज़्यादा, वो भी हमारे सूरज से? तो ऐसे चौंकी मत, सुपरमासिव ब्लैक होल्स होते हैं बिलियंस मिलियंस में। एक सुपरमासिव ब्लैक होल का जो मास होता है वो होता है बिलियंस ऑफ आर सन। एक ऐसा ही सुपरमासिव ब्लैक होल हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के सेंटर में भी है, जिसका नाम है सैगिटेरस ए। अभी रिसेंटली में इसकी फोटो भी काफ़ी वायरल हुई थी। तो दोस्तों फाइनली, यानी कि दोस्तों एक मिनट का वॉच टाइम लेने के बाद, वी आर गोइंग टू नो व्हाई लाइट बैंड अराउंड द ब्लैक होल। ब्लैक होल की बाउंड्री को हम कहते हैं द इवेंट होराइजन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट या रेडिएशन इवेंट होराइजन को पास करती है, दे कोलैप्स इन द ब्लैक होल सिंगुलैरिटी, जहाँ पर फिजिक्स के लॉ वैलिड नहीं होते हैं। यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा स्पेस टाइम कर्वेचर। मासेस के इन्फ्लुएंस की वजह से जो स्पेस होता है वो मासिस के राउंड हो जाता है थोड़ा सा कर्व। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझिए ध्यान से, ये जो ब्लैक सीट है वो है एक स्पेस, जो पीली बॉल है वो है हमारी सन, जिसकी वजह से जो स्पेस था वो गया कर्व। यार सीट नीचे दब गई ना, तो स्पेस हो गया थोड़ा सा कर्व, जिसकी वजह से जो पीली पीली जो छोटी सी बॉल्स हैं वो है हमारी प्लानेट, जो सन के अराउंड रिवॉल्व करने लगे। तो यार सोचो कि ब्लैक होल का तो इतना सारा मास है, तो कितना स्पेस कर्व हुआ होगा, जिसकी वजह से जो रेडिएशन है लाइट वो चारों ओर घूमने लगी। लेकिन यहाँ पर एक सवाल पूछें कि यहाँ पर जो आप देखेंगे तो ये छोटी बॉल्स हैं वो जा रही हैं सन के साथ कोलैप्स, यानी कि वो सन में गिर जा रही हैं। तो जो लाइट है प्लानेट है वो सन के साथ कोलैप्स क्यों नहीं कर जाते, यानी कि हमारा सोलर सिस्टम तो गया? तो उसका जवाब ये है कि यहाँ पर है फ्रिक्शन, साथ ही में एयर रेजिस्टेंस। लेकिन स्पेस में ना तो फ्रिक्शन है क्या? नहीं ना, और ना ही वहाँ पर है हवा, यानी कि इनकी वजह से जो पार्टिकल है उसने अपनी एनर्जी धीरे धीरे लूज़ कर दी। लेकिन स्पेस में पार्टिकल है, रेडिएशन अपनी एनर्जी लूज़ नहीं करेगा ना, क्योंकि वहाँ पे तो ये सब है ही नहीं, तो इसलिए वो सब ऐसे ही घूमते रहते हैं। यानी कि अब समझे कॉन्सेप्ट कि लाइट रिंग कहाँ से आती है। वीडियो अगर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर दें, साथ में अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं इन द कॉमेंट सेक्शन।